हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवासिनी, आप सभी को मेरे किचन पे स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन और आलू की एक टेस्टी करी। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, दो बड़े आलू, एक प्याज, ऑयल, गरम मसाला पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, अदरक लहसुन और प्याज का एक पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर, लौंग और इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी। मैंने चिकन पे कुछ ऑयल, नमक और हल्दी डालकर आधे घंटे से पहले रख दिया था। अब हम आलू और चिकन करी बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है। गर्म होने के बाद उसमें 2 चम्मच ऑयल लिया है। इसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी को डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज को डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज थोड़ी सी ब्राउन कलर होने के बाद हम उसमें अदरक, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चिकन मसाला पाउडर को डालकर अच्छे से देखेंगे। करी मसाले थोड़ी सी किनारों पर लग रही है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी पानी ऐड किया है। अब हम और एक कढ़ाई लेकर आलू को थोड़ा फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई पे 2 चम्मच ऑयल लेकर इसमें कुछ आलू डालता हूँ। और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम मसाले में चिकन को डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे वो कढ़ाई पे ना लगे। ऐसे ही हम 5 से 10 मिनट तक चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसके हम पानी का यूज इस पर नहीं करेंगे। देखिए मेरी आलू फ्राई हो चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चिकन को मिक्स करते समय गैस की फ्लेम को मीडियम में रखकर करना है। देखिए मेरी चिकन अच्छे से मिक्स हो रही है। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे। इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन थोड़ी सी पकने के बाद हम इसमें आलू को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू डालने के 2 मिनट के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। और इसे ढक्कन से ढक देंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर देखेंगे कि हमारी करी अच्छे से पकी है कि नहीं। मेरी करी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके करी में गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब बन गई है आलू चिकन करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।